का शुक्रगुजार हूँ। और मियाँ शाहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने तफसीलन आपसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रवायत आपके सामने रखी। यकीनन कल का दिन सियाह तरीन दिन था। पाकिस्तान में आइन तोड़ने की कोशिश की गई और जिस तरीके से तोड़ा गया वो भी आपके सामने था। फिर कल से हुकूमती सतह पर जिस तरह वज़ीर आज़म का बयानिया एंटी मगरब और एंटी अमेरिकन वो डिवेलप करने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता कि ये बैनुल अक्वामी ठग अब पाकिस्तान के पब्लिक को और मजीद धोखा दे सकेगा। गोल्ड स्मिथ और रॉथचाइल्ड का रिश्तेदार पाकिस्तान में एंटी मगरब बयानिए का अलमबरदार करने की बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस शख्स को जिस तरह 2018 में इक्तदार में लाने की कोशिश की गई, जिस तरह पाकिस्तान की आला अदलिया के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसके लिए किरदार अदा किया, वो भी एक सियाह किरदार था पाकिस्तान की तारीख में। जिस तरह उसने चंद रोज पहले एक स्टेटमेंट दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब आला अदलिया में जजेस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, चाहिए था कि पाकिस्तान की आला अदलिया उसको अदालत के कटहरे में खड़ा करती और उससे पूछती कि बहैसियत वज़ीर आज़म आपने ये बयान दिया है, किस बुनियाद पर दिया है, आपको साबित करना चाहिए, और अगर वो साबित न कर सका तो उसकी जो सज़ा बनती है वो उसको देनी चाहिए। हमने मुतालबा भी किया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में महंगाई मार्च के प्लेटफार्म से, आज भी वो दबाव डालने की कोशिश कर रहा है इदारों पर। पहले भी वो बैनुल अक्वामी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर इक्तदार में आया, उसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में रखने की कोशिश की। हमने पाकिस्तान की जंग लड़ी है, हमने पाकिस्तान के आइन की जंग लड़ी है, अपने इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव से निकालने की कोशिश की है, और हम कतअन पाकिस्तान पर बैनुल अक्वामी दबाव को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, न बैनुल अक्वामी इस्टेब्लिशमेंट की, न किसी मगरबी मुल्क की, न अमरीका की। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन की अमलदारी चाहते हैं, पाकिस्तान की आइन की सालमियत चाहते हैं, लेकिन ये शख्स आए रोज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन को रोंद रहा है और हमारे तमाम इदारे उसको देख रहे हैं। जब आइन को तोड़ने वालों के खिलाफ रद्दुल फसाद किया जा सकता है, ज़र्ब आज़ब किया जा सकता है और इस किस्म के यहाँ पर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी आइन का उतना ही पाबंद है जितना आम शहरी पाकिस्तान के आइन का पाबंद है। तमाम इदारों को अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इस तरह के पार्लियामेंट में जिस तरह कल अपोजिशन को गद्दार कहा गया, मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया से मुतालबा करता हूं कि वो पार्लियामेंट को उसका हक वापस करे, या अगर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हुकूमत की जानिब से इन 197 अफराद के खिलाफ लगा है कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, तो फिर पार्लियामेंट को उसका हक वापस दे दिया जाए। पाकिस्तान का पार्लियामेंट ये फैसला करे कि कौन गद्दार है या कौन वफादार है।
अगर नहीं कर सकते तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी, गली गली में फिर गद्दार का और वफादार का तायुन किया जाएगा कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। इस तरह की अफरा तफरी की तरफ कौम को न धकेला जाए। मैं फिर कहता हूं कि हम उस जज्बे से और उस बयानिए से दस्तबरदार नहीं हुए कि पाकिस्तान के अंदर ये शख्स इंस्टॉल्ड है पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए। और अब तो पाकिस्तान, आपने खुद सुना कल डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह आईन को तोड़ा, अगर ये डिप्टी स्पीकर जिस तरह कल उसने आईन की कई शिकों को मुअत्तल करने की कोशिश की, ये डिप्टी स्पीकर से तो ये भी तवक्कु की जा सकती थी कि वो चीफ जस्टिस को लगा सकता कि मैं इस चीफ जस्टिस को हटा रहा हूं और इस चीफ जस्टिस को लगा रहा हूं, या आर्मी चीफ के बारे में भी कह सकता था कि मैं इस आर्मी चीफ को हटा रहा हूं और इसको लगा रहा हूं, या डीजीआई के बारे में भी कह सकता था कि मैं इसको लगा रहा हूं। तो क्या हम उसको तस्लीम करते? आईन उसको तस्लीम करता, पाकिस्तान के इदारे उसको तस्लीम करते? अगर वो तोड़ रहा है आईन को और हम उसके मुकाबले में खड़े हैं कि हमारे पास, आप पार्लियामान में मुकाबला करें, हमें अपना हक दिया जाए, उसी हक के लिए हम अब यहाँ पर अपना मौकफ दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देख भी रहे हैं कि किस तरह उसके लिए दोबारा माहौल बनाने की कोशिश अगर खुदा न खास्ता की जा रही है किसी दबाव की बुनियाद पर, तो हम उस दबाव के मुकाबले में इंशाल्लाह सियासी महाज पर हर जगह पर आपको नजर आएंगे और इस महाज को उस वक्त तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हम पाकिस्तान में आईन को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं करा देते। बहुत शुक्रिया। किस दोस्त ने बात करनी है? जी दावर साहब बात करेंगे। मोहसिन आप बात? नहीं नहीं, सरदार साहब बात करेंगे। आई डेट मिजाज बलूचिस्तान से आया तो मैं उसके बारे में